हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लो, तभी ये जो पार्ट आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होगी इस चैप्टर की तो आपको क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन 1.1, इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लो, और इसकी जो लिंक है इंट्रोडक्शन पार्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, आपको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज़ करके ये सॉल्व करना है। -2/3 -3/5 +5/2 -3/5 -1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है, रीअरेंज करके हमें क्या बेनिफिट होगा, तो ये बेनिफिट होगा कि हम इसमें से कुछ कॉमा ले सकते हैं। देखो, हमें ये डिजिट देख के पता लग रहा है कि यहाँ 3/5 यहाँ भी है, यहाँ भी 3/5 है। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमें इसे सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये जो दो सम है इस पार्ट के, वो दोनों में से एक सम आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसलिए आपने अच्छे से करना है इसको। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे -2/3 -3/5। अब सेम ये है ना, यहाँ पर ये माइनस के बाद ये पूरी डिजिट है, तो हम इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, -3/5 -1/6। क्या बचा था हमारा, ये बचा हमारा +5/2। ठीक है, उसको हमने ऐसा ही लिख दिया। अब हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, उसको ज़रूर मेंशन करना है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट बेटा, अब क्या करना है, देखो यहाँ से आप ये देखो, ये कॉमन निकल रहा है ना इस स्टेप से, तो हम इसको क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं पता है बेटा, पहले प्रॉपर्टी जरूर इंट्रोडक्शन देखो, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से 3/5 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेटा माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे भी क्या है, माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर मैंने इस पूरी स्टेप से, कौन सी स्टेप से, यहाँ से इतनी पूरी स्टेप से मैंने -3/5 क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास क्या बच गया, माइनस तो यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, प्लस का बचा है ना, प्लस का 2/3। ठीक है, 3/5 हमारा कॉमन निकल चुका है, यहाँ से माइनस कॉमन निकला है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस। ठीक है, 3/5 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा आपके पास, 1/6 +5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो हम क्या लिखेंगे, -3/5। 3 और 6 की एलसीएम क्या आ जाएगी, इसकी दोनों की एलसीएम आप निकालोगे तो आएगी 6। उसके बाद ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा, 3 को पहले डिवाइड करना है, 6 को डिवाइड करना 3 से, 3 2 6, फिर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, 2 2 4। ठीक है, 6 को डिवाइड किया, 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 +5/2। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, -3/5। 4 और 1 कितना हो गया, 5/6, यहाँ पर क्या हो गया, 5/2। तो बेटा यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपकी, मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है, इसलिए ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और ये 3 1 3, और ये क्या हो गया, 3 2 6। तो अब आपके पास क्या बच गया, अब बच गया आपके पास यहाँ -1 बच गया है। ठीक है, और नीचे क्या बचा है आपके पास, 2, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, +5/2। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके फिर से सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम लेके सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 2 और 2 है, इसलिए 2 ही एलसीएम आ जाएगा, -1 और +5। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 1 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 4। और बड़ी डिजिट किस में है आपकी, बड़ी डिजिट आपकी प्लस में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, प्लस का, 2। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, =2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।